BGMI, तो ये गेम आखिर है क्या? क्यों लोग इतने इसके पीछे दीवाने हैं? क्या है सब? कैसे खेलते हैं? डोंट वरी, मैं पूरा आपको समझाऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है ये गेम के बारे में, कुछ भी पता नहीं है, तो भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं बेसिक से लेके फुल एडवांस लेवल तक आपको समझाने की ट्राई करूँगा। ये पूरा सीरीज़ है मैं जो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ BGMI का, तो मेक श्योर आप पहले से ज़रूर देखेगा। अगर BGMI खेलते हो तो आपको तो ये सब एकदम नॉर्मल लगेगा कि ये क्या वो समझा रहा हूँ मैं। ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड को भी ये गेम के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आप उसको समझा रहे हो लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपका कैसे ऐसा दोस्त हो जो आपको वो उसे खेला नहीं आता, आप उसे समझा नहीं सकते, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको आपकी हेल्प कर दूँगा उसे समझाने के लिए। तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि शुरू के कुछ वीडियो आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए है। तो शुरू करते हैं, चलो वीडियो। ये रही यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, यहाँ से उनसे बातचीत कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे इमोट यानी कि मुजरा कर सकते हैं। ये 3 बटन आपको मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे इवेंट आती है, ये रही इन्वर्टरी, ये मिशन होते हैं जो आप बाद में समझाऊंगा, और ये यहाँ की सीज़न होती है जिसमें आपने क्या उखाड़ा है। ये लास्ट 3 चीज़ें मैंने बताई। यहाँ पे अपने आप अपनी औकात चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने ज़्यादा फूक सकते हैं यहाँ पे, अपना पैसे बर्बाद कर सकते हैं। एनीवेज, ये किसी काम का नहीं है। तो चलो, अब कैसे गेम में एंटर होना है, कैसे मैच में जाना है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैप पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे मैप हो गए, यहाँ पे भी आप जहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो छोटी छोटी गेम खेलकर, यहाँ पर एम प्रैक्टिस करना हो तो यहाँ पे आप खेल सकते हैं, बड़ी मैच खेला हो तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ टाइमिंग आ जाएगा और आपकी मैच शुरू हो जाएगी मिलने की। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए है, कि जिन्हें इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है उसके लिए ये शुरू की वीडियोज़ है। आगे जाके मैं काफ़ी एडवांस लेवल तक का टिप्स भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। तो कमेंट में कुछ कहिएगा या टाइप मत कीजिएगा कि ये क्या वीडियो में बोल रहा था और ये या वो, तो आपको जैसे ही मैच मिल जाएगी तो यहाँ पे आपको देख सकेंगे कि आपके मैच में कितने प्लेयर आए होंगे। मैक्सिमम 100 प्लेयर ही आएंगे या उससे कम आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मैप देख सकते हैं, अपने पूरा इंटरफेस आप अपने मैप का स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लेन का पार्ट होगा जो हर मैच में अलग अलग होगा, तो मेक श्योर आप चेक कर लीजिए कि आपका प्लेन का पार्ट कौन से दिशा में होगा। गेम का मैकेनिज्म सिंपल है, आपको सिर्फ कोई भी गन उठानी है और अपने टीममेट के अलावा बाकी सभी प्लेयर को आपको मारना है और विनर विनर चिकन डिनर लेना है। तो थोड़े टाइम के बाद आप सीधे प्लेन में आ जाओगे, और प्लेन में यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे आ रहा होगा कुछ प्लेयर्स के नाम, ये वो लोग प्लेयर होते हैं जो इस मैच में यानी कि ये लॉबी में सबसे पैसे वाले लोग, यहाँ पे उसका नाम आता है, और उसमें से जो सबसे टॉप पे नाम आता है वो इस लॉबी का सबसे अमीर आदमी है, या आप पैसे वाला कह सकते हैं, जो इसका नाम यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, यहाँ पे उसका कितना पैसा है वो उसकी औकात दिखाएगा। समझ सकते हो, ये उसका प्लेन भी उसी का ही होगा। तो यहाँ पे जंप करके आप अपनी मनचाही लोकेशन पे जंप लगा के यहाँ पे जॉयस्टिक आगे पीछे करके वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आई बटन को देखकर आप अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं ये बटन को, आपको इसे कभी क्लिक नहीं करना, इसका काम एडवांस में आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड आपकी पिंग दिख रही होगी, अगर ग्रीन है तो काफ़ी अच्छी, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर ऑरेंज आ रही है तो आपका नेटवर्क ठीक ठाक है, आपको उसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर रेड आ रही हो तो भैया आप पहले अपना इंटरनेट चेंज करवाओ फिर आना गेम खेल ले, क्योंकि यहाँ आपका कुछ काम नहीं चलेगा रेड सिग्नल में। तो पहले मेक श्योर आपकी जो नीचे जो टावर दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के आने होने चाहिए। तो ये तो सब हो गए, तो अब आपको अपनी जगह पे जैसे ही लैंड होगे तो आपके साथ कई और प्लेयर भी कूदेंगे आपके साथ, अगर नए होंगे तो आप वहाँ पे अकेले ही अपने स्क्वाड के साथ आएंगे। तो वहाँ पे आपको लूट करना है, जो लूट में आपको गन मिलेगी वो सभी घरों में ही मिलेगी, तो वो लेकर आपको आपके टीममेट के अलावा बाकी सब प्लेयर को ख़त्म करना है, यानी कि मारना है उसको, किल करना है। याद रखना ये गेम सर्वाइवल गेम भी है, मतलब आपको जिंदा रहना होगा लास्ट तक, और बंदों को मारना भी है, मतलब मार के आपको जिंदा रहना है और आगे बढ़ के आपको लास्ट तक जिंदा रह के विनर विनर चिकन डिनर लेना है। अगर आप फाइट करते हुए सामने वाले प्लेयर से मारे गए तो आप इस मैच से आउट हो गए हैं, मतलब आप अब ये मैच नहीं खेल सकते, आपको स्पेक्टेट करना होगा अपने टीममेट को। अगर आपको नहीं करना है तो आप बाहर जाके भी नई गेम स्टार्ट कर सकते हैं। नए नए प्लेयर हो तो
बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अगर आपके दोस्त या टीममेट हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उसकी मैच देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल कितने अलाइव है वो बताएंगे, यहाँ पर आप कितने फिनिश करेंगे किल हो गए वो बताएंगे, यहाँ पर किल फिट होगा ये जो है वो डायरेक्शन होगी जो आपको काफ़ी हेल्प होगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये टाइमिंग आ रहा है वो जोन का होगा, इसे आपको खास ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एम है, ये क्रॉस हेयर कहलाता है, इससे आप एनिमी पे एम लगा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ बार होगी, अगर आपकी हेल्थ ऊँची होगी तो आप यहाँ से उसे हील कर सकते हैं, वो सब भी मैं आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स और कंट्रोल के बारे में कुछ समझाऊंगा, टिप्स दूंगा कंट्रोल्स के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया एंड बाय बाय।